अगर आपको एक हैचबैक के दाम में एक बड़ी सी सेवन सीटर मिल रही है तो कौन सी गाड़ी आप खरीदोगे? जाहिर सी बात है सेवन सीटर ही खरीदोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका SS ऑटोमोटिव में। तो दोस्तों ये है रेनो ट्राइबर RXZ डुअल टोन 2023 न्यू इंजन BS6 फेज 2 के साथ। इसी का आज हम रिव्यू करेंगे, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स और ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, जब भी मैं ट्राइबर का रिव्यू करता हूँ तो एक बात से बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ, वो है इसका बजट। जिस बजट में गाड़ी आती है ना, उस बजट में आपको यार एक हैचबैक या फिर i20 या फिर बलेनो की बात करूँ तो उसका टॉप मॉडल भी नहीं आ पाता है। सोचने वाली बात है, एक हैचबैक का टॉप मॉडल एक सेवन सीटर के टॉप मॉडल के प्राइस ब्रैकेट में भी नहीं आ पा रहा है। अगर इसकी तुलना मैं सेवन सीटर से करूँ, इसके राइवल्स अर्टिगा से भी करूँ ना, तो भी अगर मैं बता दूँ तो ये कितने सारे फीचर्स एक्स्ट्रा दे देती है। सेफ्टी आपको बढ़िया मिल जाती है। फीचर्स की बात करें तो रियर में आपको ये थर्ड रो में आपको AC वेंट्स ऑफर कर देती है अपने टॉप मॉडल में, जबकि अर्टिगा के टॉप मॉडल में भी थर्ड रो में AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। फीचर्स के मामले में कई ऐसे फीचर्स हैं जो रेनो ने इस समय सेफ्टी फीचर्स बढ़ा दिए हैं, जैसे आपको टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ ही में आपको पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स आपको बेस मॉडल स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं, और स्टॉप मॉडल में आपको चार चार एयर बैग मिलते हैं। अब सोच लीजिए, इतने सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको फीचर्स भी अच्छे खासे इसमें आपको मिल जाते हैं। वहीं नहीं, इस गाड़ी की सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। 4 स्टार की ऑलरेडी ये सेफ्टी रेटिंग भी ला चुकी है। रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि यार इसका इंजन जो है वो ऑलरेडी क्यूड में देखा गया, कई सालों से क्यूड में चला आ रहा है, तो इंजन की रिलायबिलिटी पे भी ज़्यादा सवाल नहीं उठते हैं। तो हर तरीके से ये गाड़ी यार काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है। इस गाड़ी की यार ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपये ऑन रोड भी मोटर गोरखपुर UP पे मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी शोरूम की, जाकर के गाड़ी बुक करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यार इस गाड़ी की लोगों की क्या डिमांड है। लोगों की डिमांड है टर्बो चार्ज इंजन की, तो हो सकता है भविष्य में रेनो इसमें अपना 1 लीटर वाला टर्बो चार्ज इंजन दे, क्योंकि यार लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो रेनो को भी लोगों की डिमांड को समझना चाहिए और एक टर्बो चार्ज इंजन दे देना चाहिए इसके टॉप या सेकेंड टॉप मॉडल दोनों ही में, ताकि यार जो ऑप्शनल के तौर पर जिनको वाकई में नीड है वो इस गाड़ी को ले सकें। आइए चलते हैं यार इसके अंदर, देखते हैं यार क्या क्या फीचर्स बढ़ाए गए हैं। आइए चलते हैं इसके डोर को अगर देखोगे ना यार, तो एक बात तो है इस बजट में यार इतना बड़ा आपको डोर मिलता है, 90 डिग्री के आसपास ये खुल जाता है, आसानी से देख सकते हो। ग्लास एरिया यार बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है इसका, देख रहे हो ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है, मतलब यार सनरूफ नहीं दिया है लेकिन फिर भी यार उसका काम कर देता है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। सिल्वर फिनिश में लॉक अनलॉक विंडो ओआरबिंग के सारे कंट्रोल्स आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाती है, टोटल 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स में मिलते हैं। देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है रेनो ट्राइबर RXZ डुअल टोन 2023 का। नीचे आओगे तो हाइट और सीट एडजस्टमेंट मैनुअली आपको मिलते हैं। यहाँ पे आओगे तो पेडल्स आपको देखते हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर भी मिल जाता है। चलिए आइए अब गाड़ी में बैठते हैं, इसकी पहले सीट को पीछे कर लेते हैं पूरी सीट को, अब दरवाजे को बंद कर लेते हैं जिससे आपको आवाज़ कम मिलेगी। अब देख सकते हो यार इस सेवन सीटर का आप इंटीरियर देखो, पहले एक ध्यान से इंटीरियर देखो, कितना ज़्यादा गजब का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप स्टेयरिंग पे देखो, कोई भी आपको लेदर ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलती इस वेरियंट में। और अगर यार यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो बीच में रेनो का लोगो मिलता है, यहाँ पे भी आपको कॉल वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो देखा जाए सही है, लोगो वगैरह सही मिलता है। अगर यहाँ पे MID की बात करें तो देख सकते हो इसमें आप फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो देखने में काफ़ी शानदार है, इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन सभी देता है। ग्राफिक्स थोड़े से इसके चेंज जरूर हुए हैं लेकिन यार गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। MID काफ़ी ज़्यादा शानदार है, बेहतरीन लगती है इस बजट के हिसाब से, यार इतना शानदार MID देना बहुत अच्छी बात है। अगर इसके यार इंफोटेनमेंट की बात करें तो ही 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, रेडियो वगैरह सब भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक फीचर इसको बढ़ाया गया है जो इको सिस्टम आता है, जिससे आप गाड़ी के माइलेज, गाड़ी के कब सर्विस हुई है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये एक रेनो ने अपने ऑफिशियली चेंज किया है, जो अच्छा लगता है सॉफ्टवेयरली। आपको कम से कम गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, कितने स्पीड से चलती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। साथ ही में इसकी टच क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, रिस्पॉन्सिव टच है, हर तरह से आप टच करोगे तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। तो इस बजट में आपको एकदम बेहतरीन आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, लॉक अनलॉक उसके बगल में मिलता है, इसके बगल में हजार लैंप और भी सारे कंट्रोल्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। मैनुअली AC मिलता है इस बजट में।
यहाँ पे आपको फोन वगैरह रख सकते हो, जगह मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक यूएसबी मिल जाता है, ऑक्स केबल भी आपको बगल में ही मिल जाता है, फोन वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हो, सारी चीजें मिल जाती है। इसका यार आपको कैमरा दिखा देता हूँ, कैमरे की क्वालिटी देखो, कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, गाइडलाइन आपको दिखाते हैं लेकिन ये मूव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छी मिलती है आपको कैमरे की। यहाँ पे यार आपको हैंड ब्रेक और कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एस इवेंट्स रियर के लिए आपको यहीं से मिल जाता है। यार अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि दो ग्लव बॉक्स मिलते हैं और इसका दोनों ही ग्लव बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलता है। देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा मिल रहा है, ये नीचे वाला ग्लव बॉक्स देखो इतना ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है और ऊपर वाला और भी बड़ा मिलता है। तो ये सेपरेट मिल जाता है, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और यहाँ पे आप अपने ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हो। तो अच्छी बात है यार, सही चीज़ें अच्छी मिलती हैं, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। यहाँ पे आओगे तो कोई भी वारंटी मिरर आपको ड्राइवर साइड तो नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आईआरबीएम्स आपको मैनुअली मिल जाते हैं, डे नाइट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप हैलोजन बेस ही मिलते हैं, लेकिन पैसेंजर साइड आपको वारंटी मिरर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि आप पैसेंजर साइड आपको वारंटी मिरर मिलता है। क्वालिटी, इंटीरियर सब चीज़ें प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार और शटर्ड लगती है। सबसे अच्छी चीज़ है एमआईडी आपको डिजिटल मिल जाती है, फुल्ली डिजिटल मिलती है, देखने में जो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको लगती है। अब चलिए निकलते हैं गाड़ी में से और भी चीज़ें दिखाता हूं, रियर की सीट वगैरह। लेकिन यार एक चीज़ मुझे इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा अच्छी मिल लगती है, वो है इस गाड़ी के यार सेफ्टी फीचर्स। क्या रेनो यार डे बाय डे अपने गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाता जा रहा है और गाड़ी को और भी ज़्यादा सेफ बनाता जा रहा है, तो ये चीज़ मुझे रेनो की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हेडलैम्प के पास देखोगे यह है क्रोम का यूज किया गया है, वही आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, हैलोजन में हाई बीम मिलता है और इंडिकेटर भी हैलोजन में मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे क्रोम मिलता है और बीच में DRLs आपको देखने को मिलते हैं, कोई फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे आपको कार्बन ब्लैक का यूज किया गया, इसकी प्लेट भी दी गई है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है कि यार प्रीमियम कह सकते हो, अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है देखने में। और ग्रिल भी देखो यार पूरा क्रोम से लिपटा हुआ है, हर जगह क्रोम का यूज किया गया है ग्रिल पे, रेनो का बड़ा सा लोगो मिलता है क्रोम वाला जो अच्छा लगता है, देखने में बहुत शानदार लगता है। देखो ये पूरा क्रोम का यूज किया गया है, तो क्रोम से कोई भी कंजूसी नहीं की जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है इसके टॉप मॉडल। देखो यार क्रोम कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, इसका यार डिज़ाइन बहुत सटीक मिलता है, मतलब गाड़ी काफ़ी बड़ी है, जिस बजट में आती है उस बजट में लगती ही नहीं है। और वहीं पे यार ये डुअल कलर यार इतना ज़्यादा शानदार लग रहा है, और वहीं पे यार इसके डायमेंशनली देखोगे तो गाड़ी यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। लेंथ मिल जाती है 3991mm की, विड्थ मिलती है 1739mm की, हाइट की बात करें तो 1643mm की मिलती है। डायमेंशनली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, सिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगी, हाईवे पर भी सटीक है। काफ़ी अच्छा क्लैडिंग मिल जाता है, बड़ा सा देखिए क्लैडिंग मिलता है मोटा सा जो पूरी गाड़ी में सराउंडेड है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। व्हील आर्च काफ़ी अच्छा मिलता है, ख़राब रास्तों पे भी इस गाड़ी को अच्छा खासा आप ड्राइव कर सकते हो। देखो यार व्हील आर्च काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है अगर ये गाड़ी दबती नहीं है। 185/65R15 के आपको स्टील रिम्स मिलते हैं व्हील कैप के साथ, देख सकते हो व्हील कैप कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि यार व्हील कैप है कि अलॉय व्हील्स, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है ना कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, 180mm के अबव की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ओआरवी मिलता है, टर्न इंडिकेटर भी यही मिलती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, क्रोम में डोर हैंडल चारों मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है, साइड से गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। रूफ रेल वगैरह भी मिल जाती है जिसको एसयूवी वाली फीलिंग देती है। ऊपर आओगे यार पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसके डुअल कलर में, देख सकते हो। और ये रूफ रेल यार केवल दिखाने के लिए नहीं, इस पर 30 किलो तक का वजन भी आप कैरी कर सकते हो, तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है। क्वार्टर ग्लास देखो काफ़ी बड़ा मिलता है जो अच्छी बात है अंदर के लिए, पैसेंजर के लिए, थर्ड ओके पैसेंजर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीछे से गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है, नीचे आपको कार्बन ब्लैक मिलता है, पार्किंग सेंसर्स आपको टोटल 3 मिल जाते हैं, 1, 2, 3। नीचे आपको यार स्किड प्लेट सिल्वर में मिलता है जो अच्छा लगता है, जो अच्छी बात है। रेनो का यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, यहाँ देखिए यार आपको हैलोजन में ही आपको टेल लैम्प मिलता है, यहाँ इंडिकेटर और रियर फॉग लैम्प भी आपको हैलोजन वगैरह में ही मिलता है। एक चीज़ अच्छा लगता है यार ड्राइवर की बैजिंग मिल जाती है, कैमरा आपको उसी के नीचे देखने को मिल जाता है, बीच में रेनो का लोगो मिलता है, बड़ा सा नहीं है छोटा है इसमें पीछे। यहाँ पर आपको रियर वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी आपको देखने को मिलता है, तो अच्छी बात है यार सभी चीज़ें आपको मिल जाती है पीछे। वाइपर वगैरह से कोई कंजूसी नहीं की जाएगी जो ठंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाती है। आइए इसका बूट देखते हैं, बूट देख सकते हो भाई। अच्छा एक चीज़ है, पीछे यार बड़े अच्छे से कवर अप किया गया, देख रहे हो
यही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। छोटी छोटी चीज़ें यार बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ यह बूट के नाम पे आपको 84 लीटर की बूट मिलती है, जिसमें आप एक छोटा सा बैग रख सकते हो। अगर इसको फोल्ड कर दोगे तो आपको बूट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ, आप बूट को अपने हिसाब से एडजस्ट इसमें कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है यार। सबसे शानदार चीज़ मुझे ये लगती है कि इस गाड़ी की यार साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वहीं पर अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 40 लीटर की आगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है। अब चलते हैं यार इसके पीछे की सीट को देखते हैं यार, पीछे की सीट में कितनी जगह आपको ऑफर करता है। यहाँ पे यार डोर देखो यार, सेकंड डोर की डोर भी काफ़ी वाइड ओपन हो रहा है। ग्लास एरिया देखो पहले इसका, देखो कितना बड़ा ग्लास एरिया है। क्वालिटी भी अच्छी आपको मिल जाती है प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। यहाँ लॉक अनलॉक आपको मिल जाता है, विंडो के कंट्रोल्स आपको यहीं पर मिल जाते हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर स्पीकर आपको यहीं पर मिल जाती है। आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं। देखो यार कितना ज़्यादा यार एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, दो दो। अभी बैठने के बाद बताता हूँ। देख लो भाई, एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं पिलर वाले, देख सकते हो। यहाँ पे पिलर पे ही आपको एसी मिल जाता है, जैसे हैरियर वगैरह में मिलता है आपको। यहाँ पे रीडिंग लैम्प भी आपको मिल जाता है सेकेंड रो में। स्पेस देखो भाई, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट्स भी देखने को मिलता है सेकेंड रो में। आइए आप इधर बैठते हैं, क्योंकि इधर की पीछे सीट को मैंने पूरी पीछे की है, तब जगह देखते हैं। देखो पूरी पीछे मैंने इस साइड की सीट को की थी ड्राइवर वाले। तो यहाँ पे आप देखते हैं कितनी जगह आपको देखने को मिलती है। देखो जगह, देखो देखो इतनी जगह अभी भी मुझे मिल रही है पूरी पीछे करने के बावजूद, जबकि आप सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो काफ़ी शानदार है यार। इस प्राइस ब्रैकेट में इतने फीचर्स या छोटे छोटे फीचर्स हैं, बहुत काम के फीचर्स हैं। आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, ये बात है। सीट की फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है आपको रेनो ट्राइबर RSZ डुअल टोन 2023 का, देख सकते हैं। काफ़ी शानदार आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। अब चलिए उतरते हैं। अब इसके यार गलत जगह से उतर गया भाई, उधर से उतरना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, उधर चला जाता हूँ थोड़ा सा घूम पे। कितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है। आइए चलते हैं, अब इसके थर्ड रो को चेक करते हैं, थर्ड रो में कितनी स्पेस ये गाड़ी आपको देती है। सबसे अच्छी चीज़ मिलती है इसकी यार फोल्डिंग कैपेसिटी, कितना आसानी से ही फोल्ड हो जाएगी। इसको बस प्रेस किया नहीं, पूरी फोल्ड। मतलब ये चीज़ मुझे इसकी गाड़ी की सबसे अच्छी और कन्वीनियंस लगता है, थर्ड को एक्सेस करना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थर्ड का यार सीट वगैरह देखो यार एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए अंदर बैठते हैं, देखिए बैठने के बाद क्या जगह मिलता। अरे भाई बंदी हो जा तू। तो थर्ड रो में यार स्पेस अच्छा मिलता है। अगर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट्स मिलता है। यहाँ देख सकते हैं आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, जो ठीक है, अच्छी बात है। वहीं पे यहाँ पे क्वार्टर ग्लास से काफ़ी अच्छा फील होता है देखने में। और भी ऊपर आएंगे तो आपको रियर एसी वेंट, देखिए थर्ड रो में भी आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है यार। यार ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ें मिल जाती हैं। रियर हेडरेस्ट भी मिल जाता है आपको। चलिए अब यहाँ से उतरते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों ये मैं गाड़ी से उतर गया हूँ। तो ये रहा रेनो ट्राइबर RSZ डुअल टोन 2023 का रिव्यू। गाड़ी काफ़ी शानदार है, हर तरीके से बेहतरीन है। जितने बजट में आती है वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती है। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।